सेक्रेटरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं कि जिन मामलों में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के संदर्भ में केस दर्ज किए गए हैं उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। इसके संदर्भ में कैथल पुलिस ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। डीएसपी वीरभान ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार उन्होंने संबंधित थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए कि जिन किसानों के ऊपर पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं उनकी आज ही गिरफ्तारी की जाए। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक बाबूराम ने बताया कि कैथल में अब तक पराली जलाने के 123 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 63 किसानों पर जुर्माना लगा है, 1,57,000 रुपयों की रिकवरी कर ली गई है। इसके साथ ही पराली जलाने वाले 11 किसानों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 FIR दर्ज करवाई गई है। कैथल उपायुक्त विवेक भारती ने बताया कि आज चीफ सेक्रेटरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई मीटिंग में आदेश मिले हैं कि पराली जलाने के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बढ़ रहे मामलों पर रोक लगाई जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलब किए गए आदेशों पर उन्होंने बताया कि उनके पास अभी कोई लिखित में आदेश नहीं आया है, न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्हें इसकी सूचना मिली है। सीएस सर से यही निर्देश हमें मिले हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है और जो स्टबल बर्निंग के केसेस आ रहे हैं उसको उसके ऊपर बिल्कुल रोक लगानी है। तो सर अब तक कितने सर केस आ चुके हैं, सर क्या कुछ कार्रवाई की गई? कैथल में अब तक 123 रिपोर्टेड केसेस हैं जिसमें से 40 नोट फाउंड हैं और जिसमें जो डिफरेंट केसेस हैं 17 के बाद जो भी केसेज आ रहे हैं उनके ऊपर FIR करवाई जा रही है और उससे पहले जितने भी केसेज आए हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जा चुका है और तकरीबन 1,57,500 का फाइन कलेक्ट किया जा चुका है। तो सर कोई गिरफ्तारी भी जा रहा केसों में? हाँ, गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसमें जो भी जिनके अगेंस्ट FIR है उनकी गिरफ्तारी भी संभावित है। सर कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई जैसो मोटो लिया गया है, सर कोई मामला है कि डीसी को तलब किया गया है, तो जिले में अपना भी नाम है सर कोई? उसमें मेरे पास अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अब तक कैथल में 123 टेबल बर्निंग के मामले आ चुके हैं जिसपे हमने 63 पे फाइन कर लिया है 1,57,000 रुपए और अब तक 11 FIR कर दी। FIR में सर कोई गिरफ्तारी भी जा रहा है? अभी तक हमने दी है और अभी अंडर प्रोसेस है, अभी चल रहा है। सर मेरी फसल मेरा ब्योरा की बात की जाए तो रेड एंट्री कर, मेरी फसल मेरा ब्योरा में रेड एंट्री हमने 43 फार्मर की रेड एंट्री कर दी है। तो क्या रहेगा 2 साल तक सर फसल में? हाँ, 2 साल तक वो फसल नहीं बेच पाएंगे। तो क्या सर किसानों से क्या अनुरोध रहेगा? किसानों से यही अनुरोध है कि पराली का मैनेजमेंट करें और फसल में आग ना जलाएं। इसमें सरकार की तरफ से VC हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग ली गई है सभी अधिकारियों की और अधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि जितने भी प्राथमिकी पराली जलाने के संबंध में दर्ज हुई हैं संबंधित थाना को सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि वो उन अपराधियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाए। तो सर कब तक गिरफ्तारी मिल जाएगी? सभी SHO को बोल दिया है जल्दी ही गिरफ्तारी या जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जुर्माने की प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाएगी। तो सर पराली जलाने किस तरह का अपराध सर, बिलेवल है? बिलेवल ऑफेंस है और ये जुर्माना भी किया जा सकता है, अगर जुर्माना नहीं भरते उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। सभी SHO को सर दे दिए? हाँ, सभी SHO को निर्देश दे दिए गए, प्रशासन बिल्कुल तत्पर है।